क्योंकि अंडमान की जेल में थे वो, उनके पास कलम नहीं थी, तो पेंसिल से लिखने का काम किया और कागज जब कम पड़ गया तो जेल की दीवारों पर लिखा कि कम से कम कहीं उसको अंकित तो कर दे। तो ये जो पत्र पत्रिका लिखना, इतनी बड़ी ताकत थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी के अंदर बड़ी संख्या में जो राजनेता है, राजनीतिक काम में व्यस्तता के कारण जो लिखने पढ़ने की जो आदत, अपने विचारों को लिख कर प्रकट करने का जो स्वभाव, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अम्बेडकर के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व रात को जब उनका नौकर रत्तू जाने लगा तो कहा कि हुजूर मैं जाऊँ, बोले कि जाओ। सुबह जब लौट कर आए तो देखा कि इसी टेबल पर बैठ कर रात भर अम्बेडकर लेखन का काम कर रहे हैं, और बगल में आके खड़ा हुआ तो उनको स्मरण भी नहीं था कि बगल में कोई खड़ा है। और जब देखा तो कहा कि रत्तू घर नहीं गए, तो कहा कि हुजूर घर में तो रात को सोकर आ गया घर से, और आप अभी उसी कुर्सी पर बैठकर और लिखने का काम कर रहे हैं। और अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी आज भी उनकी दर्जनों पुस्तकें, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, हु वर द शूद्राज, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनके भाषणों के संकलन को छोड़ दीजिए, और एक एक पुस्तक के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को और अपने समाज को और जिस प्रकार से जागृत करने का काम किया है।